हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ विशाल बंडवाल, वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो नया पेपर गेट इंट्रोड्यूस किया है, जो गेट डीए पेपर है, बेसिकली डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेपर है, वो किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, वो आज सारा इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि जब से वो गेट डीए पेपर आया, जब से वो नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से हम बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुन रहे हैं कि भैया उसको एज अ सेकंड पेपर दे देंगे, उसको एज अ सेकंड पेपर दे देंगे। और थोड़ा सा अपने जो कोर सब्जेक्ट, जो भी कोर ब्रांचेज का प्रिपेरेशन कर रहे हैं, उसको वहाँ से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम थोड़ा सा डीए पेपर का भी प्रिपेरेशन कर लेंगे। और फिर क्या है कि मेरा दोनों प्रिपेरेशन साथ में चलता रहेगा और दोनों में से जिसमें मेरा अच्छा रैंक आएगा उस हिसाब से हम टॉप आईआईटीज या फिर पीएसयू ले लेंगे। वो लोगों के दिमाग में चल रहा है और लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि इसमें कंपटीशन कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि पहली बार ये ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन आज हम बताएंगे कि सबसे पहला कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, इसमें डिसेंट सा कंपटीशन हो सकता है। और ये भी बताएंगे कि अगर तुम गेट डीए पेपर के लिए भी अलग से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना जो कोर ब्रांच है जिसके लिए तुम प्रिपेरेशन कर रहा है, आइदर कंप्यूटर साइंस, आइदर मैकेनिकल, आइदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आइदर इलेक्ट्रिकल, तुम जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, अगर वहाँ से तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर तुम गेट डीए पेपर के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा टाइम देने लगा, तो तुम्हारा दोनों पेपर क्यों खराब हो सकता है, वो सारा आज इस वीडियो में बताएंगे। और तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि तुमको अब गेट डीए पेपर जो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा और इधर उधर से सुन रहा है, वो तुम्हारे दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा। अब बेसिकली पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो YouTube में जो टॉपर्स वगैरह है ना, बेसिकली वही लोग थोड़ा सा मिसगाइड करने लगते हैं। अब क्या है कि स्टूडेंट्स लोग उसको फॉलो कर रहा है तो लोगों को लगता है भैया वो जो बोल रहा है वही सही है। अब हम कुछ सुने कुछ यूट्यूबर्स से, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि तुम अपना प्रिपेरेशन, जो करंट प्रिपेरेशन कर रहा है, जिस भी करंट सब्जेक्ट का प्रिपेरेशन कर रहा है, उसको डिसकंटिन्यू मत करो, ठीक है, लेकिन साथ में डीए पेपर का भी थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा। लेकिन हम बताएंगे कि ये तुम्हारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्यों हो सकता है कि तुम अगर साथ में गेट डीए पेपर का तैयारी करेगा तो तुम्हारा दोनों पेपर खराब हो सकता है। तो क्या हम बोल रहे हैं गेट डीए पेपर नहीं देना चाहिए? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि गेट डीए पेपर का फॉर्म भर दो बस। अब हम बताते हैं कि तुमको गेट डीए पेपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो तुम्हारे लिए पेपर है, क्या वो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली एमटेक का डिग्री होने वाला है, वो सारा आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि जो गेट डीए पेपर है वो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट भी है, पहले ये समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा है कि नहीं भैया उसमें कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, हमको टॉप आईआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज तुम इस रीज़न से जाना चाहते हो कि टॉप आईआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा हो सकता है कि आगे का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाए। उसका रीज़न ये है कि भले मान लो तुम्हारा गेट डीए पेपर अच्छा गया, तुम्हारा टॉप आईआईटीज में सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है, और तुम एमटेक का तुम करने वाला है एआई और डीएस से, मतलब डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुम एमटेक भी करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स से सिलेक्शन है वो तुम्हारा ऑन एन एवरेज सारा जो कोर्सेज होगा आईआईटी के अंदर, वो सारा तुम्हारा डाटा साइंस और आर्टिफिशियल के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। मतलब वो प्योर तुम्हारा डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पेसिफिकली वो डिग्री बनाया गया है, वो गेट पेपर बनाया गया है, तो वहाँ पर जितने भी कोर्सेज तुम्हारे आईआईटीज में ऑफर होगा, मोस्ट प्रोबेबली 80% से ज़्यादा जो कोर्सेज होंगे वो एआई एंड एमएल के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। तो मेरे को ये बताओ कि अगर तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कैरियर ग्रोथ और कि तुमको टॉप आईआईटीज मिल जाएगा, तुम उस पेपर को दिया और वहाँ पर तुम टॉप आईआईटीज में एडमिशन ले लिया उस स्पेसिफिक एमटेक डिग्री के लिए, और अगर तुम्हारा वहाँ पर, अगर तुमको वहाँ पर समझ नहीं आया, मान लो कि तुम्हारा डाटा साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, एमएल रिलेटेड सब्जेक्ट तुमको वहाँ पर समझ में नहीं आया, तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि डाटा साइंस और एमएल हम बता रहे हैं कि सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाता है। क्योंकि अगर तुम ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि तुमको रिसर्च वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, अगर तुम ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसको अगर बड़े बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स दिया जाए तो वो हैंडल कर सकता है, अगर तुम ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो स्ट्रेस वगैरह हैंडल कर सकता है, तो तुम्हारे लिए ये गेट का डीए पेपर नहीं है, तुम्हारे लिए डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिग्री एमटेक का नहीं है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ कैरियर ग्रोथ, कि वहाँ कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तुमको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, बहुत अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, भैया पहले एमटेक का डिग्री तो लो हाथ में, तुमको दो साल वहाँ पर कोर्सेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो एआई एमएल से रिलेटेड होना चाहिए, तो वहाँ पर तुम क्या करेगा, वहाँ पर तुमको सारा प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राइट। और हम ऐसा बहुत बार देखे हैं कि जनरली जब गेट सीएससी में, जब आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी मद्रास में या टॉप आईआईटीज में जब एक सीएससी का स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो वहाँ पर जब एआई एमएल का जब कोर्स लेता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं गेट सीएससी वालों के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो एआई एमएल का कोर्स होता है, लाइक फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब बेसिक जो कोर्सेज, वो लेने के बाद भी जब
वो पहला कोर्स उसके लिए हैवी पड़ जाता है। इनफैक्ट मेरे लिए भी जो फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग का जो कोर्स था वो मेरे लिए हैवी था, तो हम उसके बाद तो कभी ML का कोई कोर्स लेने का हम सोचे भी नहीं, इतना ज़्यादा हैवी पड़ गया था मेरे लिए। तो बेसिकली मेरे लिए DA का पेपर नहीं है, GATE DA का पेपर नहीं है, और ना ही मेरे लिए ये MTech का डिग्री है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो तुमको ये पहले समझना पड़ेगा कि क्या तुमको रियली में तुम्हारा वो डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में तुम्हारा क्या रियली में तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या तुम उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है, क्या तुम उस सब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है, क्या तुम उस कोर्सेज को हैंडल कर सकता है, क्या तुम बेसिकली जो तुम मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ता है उसको तुम क्या अप्लाई कर सकता है इन रियल वर्ल्ड, ये सारा तुमको सोचने की जरूरत है। क्योंकि ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हैवी कोर्स होता है डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा हैवी कोर्स होता है। तो अगर तुम्हारा इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट तुम वहाँ पर जाना चाहते हो, तो ट्रस्ट में तुम फंस जाएगा। तुम्हारा हो सकता है एमटेक तुम्हारा कंप्लीट भी ना हो IITs, और तुमको बीच में ही तुमको अपना एमटेक छोड़ना पड़े, क्योंकि सारे स्टूडेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्सेज वगैरह हैंडल नहीं हो पाता, और हम उन स्टूडेंट्स में से एक हैं। तो अगर तुमको रियली में थोड़ा बहुत अगर मशीन लर्निंग में एक्सप्लोर भी करना है, तो भैया गेट CSE का पेपर दे दो। अगर तुम दूसरे ब्रांचेज का, तो दूसरे ब्रांचेज वाले भी गेट CSE के लिए अलाउड है, राइट? तो देख लो कौन से ब्रांचेज अलाउड है, कौन से नहीं अलाउड है, और फिर वहाँ पर तुम गेट CSE का पेपर दो, उसमें टॉप रैंक लाओ, टॉप IITs में जाओ। तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तुम्हारे पास ML का भी कोर्स होगा, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोर्स होंगे, तुम्हारा वहाँ पर HD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी रिलेटेड कोर्सेज वगैरह होंगे, तो वहाँ पर तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो जो भी तुम क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एक्सप्लोर वगैरह किया कोर्सेज वगैरह, और वहाँ से जो तुमको पसंद आया अपना सेकंड ईयर में, उसी से रिलेटेड एक मेजर प्रोजेक्ट तुम अपना कवर कर लिया, तो ये सही तरीका है, ठीक है? क्योंकि जस्ट बिकॉज की कंपटीशन लेस होगा गेट DA पेपर में, तो जाके उसको दे दे रहे, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है तुम्हारी तरफ से। क्योंकि अब देखो, कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे, हम सुने कि तुम अपना साइड में थोड़ा सा गेट DA पेपर के लिए भी तैयारी करते रहो। अरे भैया, सिंपल सा एक बात मेरे को बताओ कि अभी तुम अपना कोर सब्जेक्ट का तैयारी कर रहा है, कोर कोर्स का तैयारी कर रहा है, अगर मान लो तुम EC का बंदा, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन बंदा है, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का तैयारी कर रहा है, अब तुम थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल के तुम अगर गेट DA पेपर के लिए तैयारी करेगा, तो तुम्हारे माइंड में चीज़ें ओवर राइट होने लगेंगी। तुम्हारा जो EC का जो पेपर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का पेपर है, अगर वहां से तुम थोड़ा सा अगर DA का भी पढ़ने लगा, जहां पर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, जहां पर बेसिकली ML एंड AI के रिलेटेड टॉपिक्स है, अगर तुम उसको भी साथ में पढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो रियल प्रिपरेशन है, जो तुम्हारा EC का प्रिपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि माइंड में तुम्हारा जो चीजें हैं वो ओवर राइट होने लगेगी वो डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट से। तो तुमको सोच समझ कर कोई भी स्टेप उठाना चाहिए, ना कि किसी भी यूट्यूबर को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ हम बताते हैं कि इसमें कंपटीशन लेस नहीं होने वाला, बहुत कम कंपटीशन नहीं होने वाला। उसका रीज़न ये है कि इसमें चार बड़े बड़े ब्रांचेस को भी एलिजिबल कर दिया गया है। उसमें से कौन सा है, पहला तुम्हारा कौन सा है, गेट CS वाले इसको दे सकते हैं, दूसरा तुम्हारा गेट EE वाले दे सकते हैं, गेट EC वाले दे सकते हैं, गेट ME वाले दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले दे सकते हैं, मैकेनिकल वाले दे सकते हैं। ये चार बड़े बड़े ब्रांचेस हैं जहां पर स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है कि वो गेट DA पेपर को एज अ सेकेंड पेपर दे सकते हैं। अब मेरे को बताओ, ये चार बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, यहां पर लगभग 80,000 से 100,000 स्टूडेंट हर ब्रांच में, तो अगर यहां से थोड़ा थोड़ा से भी उठ के अगर स्टूडेंट जाके अगर गेट DA पेपर को एज अ सेकेंड पेपर दे दिया, तो तुमको क्या लगता है कंपटीशन कम होगा? नहीं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसमें भी तुमको डिसेंट सा कंपटीशन देखने को मिल जाए। और बाकी जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वहां से तो स्टूडेंट उठ के आएंगे, लाइक तुम्हारा फिजिक्स का हो गया, गेट फिजिक्स का हो गया, गेट मैथमेटिक्स का हो गया, गेट स्टैटिस्टिक्स का हो गया, वो सारे भी एलिजिबल है, तो वहां से भी कुछ स्टूडेंट्स आएंगे। तो भैया, गेट DA पेपर में कंपटीशन कम नहीं होने वाला, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ भी डिसेंट सा कंपटीशन तुमको देखने को मिल जाए, क्योंकि चार बड़े बड़े ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है कि वो गेट DA पेपर एज अ सेकंड पेपर दे सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, कंपटीशन इसमें कम कहाँ से हुआ, पहला चीज। और दूसरा चीज कि अगर तुम अपना प्रिपरेशन, जो तुम्हारा कोर प्रिपरेशन है, मान लो अगर तुम कोई कोर सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसको हटाकर थोड़ा सा टाइम अगर तुम DA पेपर में दे रहा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो ओरिजिनल प्रिपरेशन वो इफेक्ट होगा, और इसके कारण तुम्हारा दोनों पेपर खराब हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों में इक्वली टाइम दे रहा है। अगर तुम थोड़ा सा, या फिर मान लो अगर 70-30 भी तुम टाइम डिवाइड किया कि 70% कोर्सेज को दे रहे हैं, और जो 30% है हम गेट DA पेपर के लिए हम अपना टाइम दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो तुम्हारे माइंड में चीज़ें ओवर राइट होने लगेंगी। जो तुम्हारा करंट प्रिपरेशन है उसमें तुम्हारा जो गेट DA पेपर का जो भी टॉपिक्स वगैरह है वो ओवरराइट करने लगेगा, तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा उससे फोकस हट जाएगा, जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है, कोर कोर्सेज है, वहां से तुम्हारा जो फोकस है वो हट जाएगा, और तुम्हारा फोकस चला जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस चला जाएगा गेट DA पेपर में।
तो वही बोलते हैं ना, ना तुम घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, फिर वही वाला स्थिति हो जाएगा। तो जो तुम अभी करंट तुम कोर कोर्स कर रहा अपना, लाइक अगर तुम इलेक्ट्रिकल वाला, जो तुम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ो, अगर तुम सीएस वाला है सीएस से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ो, अगर तुम मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ो, वहाँ से डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं, और वहाँ से टाइम निकाल के अपने डीए पेपर के लिए देने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम बोल रहे हैं कि डीए को एज अ सेकेंड पेपर नहीं देना चाहिए? अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, लाइक मैकेनिकल वालों के लिए एग्जी है, ठीक है, तो तुम एग्जी को अपना एज अ सेकेंड पेपर चुनो भाई। क्यों अपना डीए के ऊपर दिमाग खराब कर रहे हो? तुमको लगता है कि बहुत आसान होने वाला है? नहीं, तुम्हारा एमटेक खराब हो सकता है इससे। तो अपना एग्जी को तुम सेकेंड पेपर सेलेक्ट करो ना। हाँ, सीएस वाले अपना डीए को सेकेंड पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हारा ईसी ब्रांच है, अगर डबल ई ब्रांच है, अगर उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे कोर कोर्सेज से रिलेटेड ही अगर कोई सेकेंड पेपर है, तो भैया उसको सेलेक्ट करो डीए के बजाय। तो जस्ट बिकॉज कि तुमको टॉप आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, जस्ट बिकॉज कि डीए में कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, उसको एज अ सेकेंड पेपर सेलेक्ट मत करो। सीएस वाले कर सकते हैं, आई अग्री, लेकिन उसको एज अ सेकेंड पेपर जस्ट सिलेक्ट करो, उसके लिए प्रिपेरेशन मत करो। तो अगर सेकेंड पेपर एज अ सिलेक्ट करेंगे तो भैया प्रिपेरेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम देने कैसे जाएंगे? तो भैया गेट सीएस वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स वही हैं, तुम्हारे जाके डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के सारे सेम है, और डीबीएमएस में तुम्हारा सारा सेम है, बस एक्स्ट्रा डाटा वेयर हाउसिंग ऐड किया गया है, वो थोड़ा सा अगर देखना चाहते हो देख लो। और जो दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो सबके लिए वो एक्स्ट्रा होने वाला है, वो है एमएल एंड एआई। यहाँ पर तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक वगैरह पढ़ना पड़ सकता है। तो क्या ये सारा पढ़ना है मेरे को? जैसा कि हम बोले, नहीं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है तुमको। बस जाके अगर तुमको एज अ इसको सेकेंड पेपर सेलेक्ट करना है तो भैया जाके सीधा पेपर वगैरह दे के आओ, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सेम रहने वाला है। और सीएस वालों के लिए बेनिफिट है कि उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी सेम होने वाला है, और तुम्हारा जाके क्या बोलते हैं उसको डीबीएमएस भी सेम होने वाला है। लेकिन बाकी अदर ब्रांचेस के लिए सब कुछ नया होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं, ठीक है, अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ दो तो आई वुड रिकमेंड दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए कि इसको एज अ सेकंड पेपर सेलेक्ट मत करो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, कोई तुम्हारे कोर कोर्स से रिलेटेड ही अगर कोई सेकंड पेपर है, जैसे एमई वालों के लिए एग्जी है, तो भैया उसको एज अ सेकंड पेपर सेलेक्ट करो। और सीएस वाले कर सकते हैं डीए को एज अ सेकंड पेपर सेलेक्ट, और फिर से हम बता रहे हैं कि इसमें अपना टाइम स्पेंड बिल्कुल भी मत करना। अब तुम देखो बेसिकली क्या कर सकता है कि मान लो संडे का दिन है, ठीक है, तो हर संडे को 1 से 1.5 घंटा जो भी डीए पे गेट डीए पेपर में अगर तुम उसको एज अ सेकंड पेपर अप्लाई कर रहा है, तो संडे को 1 से 1.5 घंटा खाली बैठा हुआ है तुम, तो उस समय क्या है कि यूट्यूब में जस्ट जो एमएल और एआई का टॉपिक्स है उसको एक बार देखते हुए निकलते जाओ। और तुम शॉर्ट नोट्स भी बना सकता है, शॉर्ट नोट्स मतलब एट द एंड ऑफ द जनवरी तुम्हारे पास बस जो गेट डीए पेपर है उसके लिए इतना पतला नोटबुक होना चाहिए, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास नोटबुक नहीं होना चाहिए कि भैया हाँ 2 घंटे में पूरा रिवाइज करके निकल गए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हर संडे को 1 से 1.5 घंटा तुम यूट्यूब में जाकर टॉपिक्स वगैरह देख सकते हो, वहाँ कुछ अगर पॉइंट तुमको नोट करने लायक लग रहा है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया, टॉपिक वाइज जाकर तुम देखते रहो, ठीक है, बस संडे को 1 से 1.5 घंटा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कोर कोर्सेज का कॉन्सेप्ट तुम्हारे मेमोरी में, उसको ओवरराइट नहीं करना चाहिए ये डीए के सब्जेक्ट्स, अदरवाइज तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा मेन गेट डीए पेपर है, वो भी खराब हो जाएगा और गेट डीए पेपर तो खराब हो ही जाएगा क्योंकि इसके लिए तुम प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। तो आई एम स्टिल सजेस्टिंग कि तुम अपना जो कोर कोर्स का प्रिपेरेशन कर रहा है वहीं पर फुल टाइम डेडिकेटेडली गेट का प्रिपेरेशन करो। गेट डीए पेपर को अगर भरना है जो सेकंड पेपर तो भर दो, लेकिन उसके लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी मत देना, ज़्यादा टाइम मतलब बिल्कुल भी टाइम ही मत देना, बस संडे को 1 घंटे के लिए देख लिए हर संडे को कि हाँ भैया ये टॉपिक है, ये चीज़ें हैं, और उसमें बस शॉर्ट नोट्स में थोड़ा थोड़ा पॉइंट वगैरह बनाते हुए चले गए, उससे ज़्यादा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो अपना सारा फोकस अपने कोर सब्जेक्ट वाले जो भी कोर कोर्स है तुम्हारा, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, उसी पे फोकस करो। गेट डीए पेपर में भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, एक डिसेंट सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक डिसेंट सा कॉम्पिटिशन देखने को तुमको मिल जाएगा, क्योंकि 4 बड़े बड़े ब्रांचेज इसमें एज अ सेकेंड पेपर के लिए एलिजिबल है। तो बस यही बताना था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हम देखें मिसलीड कर रहे हैं स्टूडेंट को कि भैया नहीं दोनों साथ में करो, एकदम दोनों ही फोड़ लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपना फोकस एक बार में हम एक ही चीज़ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा अपना गेट सीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता दें कि ये सितंबर एंड को ये मेरा जो गेट सीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम है ये हम इसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर स्टूडेंट को लेने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर 4 महीना ही रह जाएगा गेट एग्जाम में। लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को भी अपने सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, लाइक कोई सब्जेक्ट वगैरह वीक है, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट को डिटेल में कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा वो सब्जेक्ट विद क्लैरिटी तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग बोलता है कि डाउट वगैरह कैसे क्लियर होगा, तो मेरे हर लाइव सेशन के बाद हम आधा घंटा रुकते हैं फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स,
फॉर दैट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर तुम अपने डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हो। तो अभी जो फिलहाल सब्जेक्ट स्टार्ट होगा विद इन 10 डेज, आई गेस 25 अगस्त से मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद चलेगा DS, उसके बाद चलेगा एल्गो, उसके बाद चलेगा DBMS, उसके बाद चलेगा OS, उसके बाद चलेगा COA, उसके बाद चलेगा तुम्हारा COA के बाद उसके बाद चलेगा तुम्हारा CN, उसके बाद चलेगा तुम्हारा DLD। तो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो अगर इसमें तुम्हारा कहीं भी कुछ अगर तुम्हारा क्लैरिटी वगैरह नहीं है, या फिर तुम्हारा सब्जेक्ट वगैरह वीक रह गया है, या फिर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर तुमको लग रहा है कि नहीं तुम्हारा PYQ सही से नहीं जा रहा, मतलब अगर तुम्हारे प्रिपरेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हम गेट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता रहे कि अगर तुम्हारे प्रिपरेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो, तुमको डर लग रहा है कि मेरा गेट 2024 शायद ना निकले, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तुम्हारा सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको दिया जाएगा। और हम गेट मेंटरशिप प्रोग्राम में एक जो बहुत बड़ा अभी बोनस चल रहा है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, कि हम सारे सब्जेक्ट्स को इन डिटेल्स कवर कर रहे हैं, कि जो अगर तुम्हारे कोर्सेज वगैरह में क्लैरिटी से नहीं बताया गया, जिसमें तुम्हारा जो अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह तुम्हारा वीक रह गया है, तो वो सारे सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा विथ प्रॉपर इंट्यूशन। तो अगर तुमको अपना गेट 2024 का प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग करना है और अपने सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो तुम मेरे गेट CAC मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। तो बेसिकली ये सितंबर एंड को हम इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आने से स्टूडेंट को लेने से कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम सीरियस अपने गेट 2024 के प्रिपरेशन के प्रति, तो तुम अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि हम जैसा बताएं कि 25 अगस्त के आसपास से सी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट चलेंगे। वीक में 3 लाइव सेशन होता है, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे रात को 9:30 से 12 बजे तक। अगर तुमको कोई भी डाउट है गेट CAC मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, तो तुम मेरे वेबसाइट में जाकर, वहां पर एक मेल आईडी दिया हुआ है, वो मेल आईडी में जाकर तुम मेरे को डाउट अपना पूछ सकता है, जो भी तुम्हारा रिलेटेड डाउट है गेट CAC मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, या फिर डायरेक्ट लिंक्डइन में भी तुम मेरे कनेक्ट करके पूछ सकता है। तो मेरा मेल आईडी, हम अपना वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो और अपना गेट CAC मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा गेट CAC 2024 का प्रिपरेशन कुछ खास नहीं चल रहा है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम डेफिनेटली तुम्हारे लिए होने वाला है, या फिर डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। और एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दूसरे ब्रांचेस वालों के लिए, कि अगर तुम कोई दूसरा ब्रांच का, अगर गेट CAC का नहीं, तुम दूसरे ब्रांच का स्टूडेंट है, और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा, तुमको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे हम PYQ उसको सॉल्व करें, तो उसके लिए मेरा कंसल्टेंसी है। मेरे वेबसाइट में जाओ, मेरे बुक का कॉल कर सकते हो। तो जब तुम बुक का कॉल करोगे, तो वहाँ पर अपना स्पेसिफिक टाइमिंग सेलेक्ट करके वहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर अपना तुम बुक का कॉल कर सकते हो और मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। हम तुम्हारा सारा गेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो करेंटली गेट 2024 के लिए, हम वो सारा क्लियर कर देंगे। ये दूसरे ब्रांचेस वालों के लिए बता रहे हैं, और गेट CAC वाले डायरेक्ट मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकता है। तो बस गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।